Hello everyone, in this video lecture of digital electronics I am going to discuss how to find the complement of any number system. ठीक है, तो I will explain the general formula. By using that formula you can find the base of any number system. ठीक है, तो आपके पास मैं two formulas बताऊंगी, one for r's complement and the second for r minus 1's complement. तो by using those formula you can find the कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी नंबर सिस्टम. तो स्टार्ट करते हैं. दिस इज द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है आर्स कॉम्प्लीमेंट का. आर्स कॉम्प्लीमेंट विच इज ऑल्सो कॉल रेडिक्स और बेस कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल आर रेज टू पावर स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन. ठीक है, वेयर स्मॉल आर इज द रेडिक्स और बेस ऑफ द नंबर, कैपिटल एन इज द नंबर और स्मॉल एन इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स. ठीक है, बेस का मीन्स अगर आपका बाइनरी है तो बेस इज टू, ऑक्टल है तो बेस इज एट. मीन्स कि इन केस ऑफ बाइनरी आर की वैल्यू क्या हो गई टू, इन केस ऑफ ऑक्टल आर की वैल्यू क्या हो गई एट. क्लियर. एंड एन का मीन्स है सपोज अपना ऑक्टल में नंबर 25 है बेस 8 में और आपको इसका 8's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो दिस 25 इज कैपिटल एन. एंड स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ डिजिट्स. अब यहां पर कितनी डिजिट्स हैं, 1 एंड 2, तो स्मॉल एन इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स. ठीक है, तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला. नाउ आर्स कॉम्प्लीमेंट, ये तो हो गया आर्स कॉम्प्लीमेंट. नाउ आर माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट, दिस इज कॉल्ड डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और डिमिनिश्ड बेस कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज यहां पे जो आपका रेडिक्स था 2, उसमें हम 1 को माइनस कर देंगे. मींस कि यहां पर हम अगर 2 लिखेंगे तो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1's कॉम्प्लीमेंट. अगर हमने यहां 8 लिखा, 8 माइनस 1 किया तो 7's कॉम्प्लीमेंट. क्लियर है, तो दिस इज कॉल्ड आर माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और आर्स कॉम्प्लीमेंट कॉल रेडिक्स और बेस कॉम्प्लीमेंट. तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है एंड ये सबके बेसिस में डिफरेंट बेसिस के लिए फॉर्मूले लिखे हैं, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे. मैं आपको ईजी वे बताऊंगी फॉर फाइंडिंग द बेस ऑफ ऑल. ठीक है, तो इफ आपका नंबर सिस्टम बाइनरी है एंड बेस क्या है, दिस इज फॉर बाइनरी. बाइनरी में आपका बेस क्या होता है, 2. अगर 2 है तो उसमें हम क्या फाइंड करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट. 2's कॉम्प्लीमेंट मींस कि यहां पर r की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 2 रेज टू पावर n माइनस n होगा. यहां क्या होगा, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस n. अगर हमने 10's कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो r की वैल्यू क्या हो गई 10, और ये किस केस में है, ये हमारा डेसिमल है, डेसिमल नंबर सिस्टम. तो 10's कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर स्मॉल n माइनस n. यहां 9's कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस कैपिटल एन. ठीक है, यहां पर सेम वे, दिस इज फॉर ऑक्टल. ऑक्टल के लिए ये फॉर्मूला है, 8 रेज टू पावर एन माइनस एन, 8 रेज टू पावर एन माइनस 1 माइनस एन फॉर 7's कॉम्प्लीमेंट. ये हमारा हेक्साडेसिमल है. फॉर हेक्साडेसिमल क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दिस वन, 16 रेज टू पावर एन माइनस एन. और अगर हमें 15's कॉम्प्लीमेंट लेना है तो 16 की पावर एन माइनस 1 माइनस एन. ठीक, 4's कॉम्प्लीमेंट के लिए इफ बेस इज 4, कुछ भी बेस क्वेश्चन में आ सकता है. अगर 4 लिखा है तो 4's कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर एन माइनस एन, एंड 3's कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर एन माइनस 1 एन. ठीक, तो ये आपके सारे फॉर्मूले हो गए, ये आप लिख लेना. आप इस फॉर्मूले से भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं आपको बहुत ईजी वाले वे बताती हूँ कि करते हैं विथ बेस 2, मीन्स की बाइनरी नंबर का. जब बेस 2 होगा तो हमें क्या मिलने, हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट. ठीक, तो मैंने यहां फॉर्मूला मेंशन कर दिया है कि 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ n इज इक्वल टू 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ n प्लस 1. ठीक, सपोज दिस इज द नंबर, अगर ये हमारा नंबर है मींस कि ये हमारा क्या है, कैपिटल n. अब हमें इसका 1's कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जस्ट उसकी अपोजिट बिट. मींस कि 1 को हम क्या लिखेंगे, 0, इस 1 को क्या लिखेंगे, 0, देन 0 था तो 1, अगेन 0 था तो 1, यहां 1 था तो 0. तो दिस इज द 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर. अब 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1's कॉम्प्लीमेंट में प्लस 1 ऐड कर दें. तो यहां पर अब मैं क्या करूंगी, ऐड प्लस 1 LSB में. ठीक है, प्लस 1 ऐड किया तो 0 प्लस 1 क्या हुआ, 1, 0 से 0, 1 का 1, यहां 1 था यहां 1, यहां 0 था 0. तो दिस इज द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नाउ अब हम करते हैं फॉर डेसिमल. ठीक है, तो डेसिमल के केस में हमारे पास 2 कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, 9's एंड 10's. तो उस केस में हमारा जो 10's कॉम्प्लीमेंट होगा, 10's कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर n इज इक्वल टू 9's कॉम्प्लीमेंट ऑफ n प्लस 1. ठीक, सपोज हमने नंबर लिया 1, 2, 3, ये बेस हमारा 10 में है. ठीक, तो सबसे पहले हम इसका 9's कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, तो दिस इज कैपिटल n. तो हमारा क्या होगा, 9's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, 2, 3 विल बी इक्वल टू हाउ मेनी डिजिट्स, 1, 2, 3. तो ये क्या होगा, 9, 9,
9, 3 टाइम 9, क्लियर। 9's कॉम्प्लीमेंट में जितने डिजिट्स उतने 9, फिर उससे हमें क्या माइनस करना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 को माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8, तो 8 7 6 इज द 9's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 123, ठीक है। नाउ अब हमें क्या चाहिए, 10's कॉम्प्लीमेंट, तो 10's कॉम्प्लीमेंट का मैंने फॉर्मूला लिखा है, 10's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, 2, 3 विल बी इक्वल टू 9's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, 2, 3 प्लस 1, मीन्स की 8 7 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 7 7, ठीक है। तो दिस इज द 10's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, 2, 3। अगर आप इस फॉर्मूले में भी रख के देखोगे तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 वॉज एन, ठीक है, 10, 1, 2, 3 स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी, 3, कैपिटल एन क्या है, -123, -123, 10 raised to power 3 इज 1000, इससे हमने 1, 2, 3 माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, 8 7 7, इन बोथ केसेस हमें सेम ही आंसर मिलता है, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 10 raised to power n minus 1 मीन्स की 10 raised to power 3 -1 -123, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 -1 इज इक्वल टू 999, ठीक, बेसिकली यही परफॉर्म हो रहा है, -123 यहाँ पर भी था, -123 यहाँ पर भी था, 876, ठीक है। तो बेसिकली हम ये जो शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे हैं ये हम इसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हम करते हैं फॉर बेस 8, मीन्स कि हम करेंगे ऑक्टल नंबर्स के लिए 8's कॉम्प्लीमेंट एंड 7's कॉम्प्लीमेंट। तो फॉर 8's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 8's कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 7's कॉम्प्लीमेंट ऑफ n प्लस 1, ठीक। अब हमारे यहाँ n की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, तो सबसे पहले हम इसका फाइंड आउट करेंगे, 7's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, 2, 3 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 3 डिजिट्स हैं तो 3 टाइम हम 7 लिखेंगे। अब उससे हम 1, 2, 3 जो भी नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4, 5, 6, ठीक है। तो दिस इज द 7's कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द 7's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, 2, 3। अब हमें क्या चाहिए था, 8's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, 2, 3, दैट विल बी इक्वल टू 7's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, 2, 3 मीन्स की 6, 5, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 5, 5, ठीक। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम देखते हैं फॉर हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर मीन्स की व्हेन रेडिक्स इज इक्वल टू 16, तो इस केस में 16's कॉम्प्लीमेंट ऑफ n इज इक्वल टू 15's कॉम्प्लीमेंट ऑफ n प्लस 1, ठीक। लेट हमारा नंबर है 2, 3, a बेस 16 में, ठीक है, हमारे हेक्साडेसिमल नंबर है तो 2, 3, a हो गया, ठीक। नाउ अब हम इसका सबसे पहले निकालेंगे 15's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2, 3, a, ठीक है, इज इक्वल टू 15। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जब हम 9, 7's कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे तो हम 7, 7, 7 माइनस कर रहे थे, जब हम 15's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 15, 15, 15 करेंगे, और 15 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, f, हाउ मेनी डिजिट्स, 1, 2, 3, मीन्स की 3 टाइम हम f लिखेंगे, इससे हमने 2, 3, a को माइनस किया, 15 इज, f इज 15 और a इज 10, तो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, ये 15 है ये 3 है, मीन्स की क्या आएगा, 15 माइनस 3 इज 12 और 12 को हम क्या लिखते हैं, c, तो यहाँ क्या होगा, c। नाउ 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13 और 13 को हम क्या लिखते हैं, d, ठीक है, d, तो ये हो गया 15's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2, 3, a। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे 16's कॉम्प्लीमेंट, तो 16's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2, 3, a विल बी इक्वल टू DC 5 प्लस 1 इज इक्वल टू DC 6, और याद रखना है बेस इनकी क्या रहेगी, वही जो आपका बेस था, तो दिस इज द 16's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2, 3, a। नाउ अब हम एक बेस 4 के लिए करते हैं, बेस 4, अगर हमारा बेस 4 है तो नंबर्स क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, ठीक। 4's कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, 4's कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 3's कॉम्प्लीमेंट, 3rd's कॉम्प्लीमेंट, 4's कॉम्प्लीमेंट ऑफ n इज इक्वल टू 3's कॉम्प्लीमेंट ऑफ n प्लस 1, ठीक। लेट हमने एग्जांपल लिया 1, 2, 3 और इसका बेस क्या है, 4, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे 3rd's कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, 2, 3 इज इक्वल टू जो मैक्सिमम नंबर है
बोलेंगे कितनी बार, 1, 2, 3, क्योंकि 3 डिजिट्स थी, 1, 2, 3, इससे हमने 1, 2, 3 को माइनस किया, क्या मिला, 0, 1 और 2, तो दिस इज द थर्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, 2, 3। ठीक है, अब हमें चाहिए फोर्थ कॉम्प्लीमेंट, 1, 2, 3 इज इक्वल टू थर्ड कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। अब थैंक यू सो मच, स्टिल यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी कॉम्प्लीमेंट, इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप वॉचिंग।